बड़वानी शहर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक मकान में मंगलवार सुबह चोरी का मामला सामने आया था। मकान मालिक की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला जांच में लिया है। मकान मालिक इंदर सिंह जमरा पार्टी के ग्राम गारा में शिक्षक है और उनकी पत्नी दवाना में शिक्षिका है। इंदर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह अपने बच्चों को छोड़ने दवाना गए थे। मंगलवार दोपहर जब अपने घर आए तो मुख्य गेट का ताला टूटा था और अंदर पहले वो दूसरे कमरे में रखी अलमारी देखी तो चोरी की आशंका हुई। अलमारी खोलकर देखी तो नकदी और सोने के आभूषण गायब मिले। उन्होंने आभूषण व नकदी सहित 6 से 7 लाख रुपए की चोरी होना बताया। वहीं फरियादी का कहना है कि करीब 1,25,000 रुपये नकदी व 6 लाख रुपए की ज्वेलरी घर से चोरी हुई है। वहीं कल से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, FIR नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि FIR से क्या होगा, जो सामान गया है उसे ढूंढ ला देंगे। इस तरह के गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं मीडिया ने पुलिस से बात करना चाहिए तो थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की सूचना पर मौका मुआयना किया है, मामले की जांच कर रहे हैं, अभी FIR नहीं होना बताया। FIR होने के बाद ही जानकारी देने की बात कही। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। इंदर सिंह जमरा क्या करते हो? सर हमारे घर पे चोरी हो गई है। आप क्या काम करते हो? मैं टीचर हूँ सर, पार्टी ब्लॉक में गारा करके गांव है वहाँ पे। क्या हुआ है, कैसे चोरी हुई और कैसे पता चला है आपको? सर 24 तारीख को हम लोग यहाँ से 10 बजे के लगभग दवाने के लिए निकले थे, मिसेस को छोड़ने के लिए। वो जो टीचर है वहाँ पे, तो वो बस चल नहीं रही है, तो वहाँ पे हमने रूम लिया है किराए से, उनको वहाँ शिफ्ट करके दूसरे दिन में वापस आया 12 बजे के लगभग। तो यहाँ के देखा कि जो मेन डोर है उसका ताला टूटा हुआ है। उसके बाद मेरे साथ एक मित्र भी थे मेरे, कमल भायल करके, वो भी मेरे साथ में थे। फिर हमने अंदर जाके देखा, अलमारी देखी तो अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था। उसमें से चाबी निकाल के हमने दूसरी वाली जो लॉकर था उसको खोला, उसमें गुल्लक रखा हुआ था वो भी टूटा हुआ था। उसमें जो कैश था वो भी गायब था उसमें, और जो ज्वेलरी थी वो भी गायब थी। फिर दूसरी अलमारी में जाके देखा तो वहाँ से भी मतलब कैश भी गायब था और ज्वेलरी भी गायब थी। करीब कितने लाख का कैश था और ज्वेलरी थी? केस सर 1.25 लाख के आसपास केस था और ज्वेलरी 6 लाख के आसपास। पुलिस को सूचना की आपने? हाँ सर, पुलिस थाने में गए थे हम लोग, लेकिन उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। बोले कि FIR लिखने से क्या होगा, जो आपका सामान गया वो जरूरी है। और हम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि जो चोरी करने वाले जो मुजरिम लोग हैं वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए वहाँ पे और उचित कार्रवाई की जाए, और जो हमारा सामान चोरी हुआ है वो हमें वापस मिले। क्या नाम है आपका? शारदा जमरा। जमरे जी कहाँ रहते हो? बड़वानी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। क्या घटना हुई आपको? चोरी। कैसे हुई और आप लोग कहाँ गए थे? कैसे हुई ये तो नहीं पता, हम दवाना गए थे सोमवार को 10 बजे से, मंगलवार को लोड कराए 12 बजे, तो पता चला कि मकान का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। क्या आके देखा तो क्या क्या चीज़ गायब हो गई थी? आके देखा तो गोदरेज का गेट टूटा हुआ था और सारी ज्वेलरी भी गायब थी। घर में तीनों अलमारियों में से जितने भी जेवर थे, कैश था, सारा ले गए। उसमें बच्चों के लिए हम हर महीने गुल्लक में ले जमा करते थे, वो भी सारा कैश ले गए। कितना कैश गया और कितने की ज्वेलरी? ज्वेलरी लगभग 5 से 6 लाख की होगी हमारी। क्या क्या था उसमें? उसमें मंगलसूत्र थे 3-4, एक लंबा हार था सोने का, अंगूठियां थी, चांदी भी थी, कमरबंद था, पायल 6 जोड़ पायल थी, बीछियां थी 10-12 जोड़, बच्चों के चेन वगैरह थे, कड़े थे, पायल थी। नगद पेमेंट कितना गया? नगद हमारा 2 गुल्लक गए हैं और 32,000 कैश पेमेंट गया है। गुल्लकों में कितना पेमेंट? गुल्लकों में लगभग 80,000 के समथिंग होगा दोनों में मिलाकर। आपको कैसे पता चला, आप कब आए और क्या देखा आपने? बाहर ताला खुला और कैसे था? सर 12 बजे दवाना से यहाँ आए स्कूल जाने के लिए, तो सर ने देखा कि गेट पे ताला नहीं है और फिर गेट भी टूटा हुआ है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर देखा तो घर में
ताला टूटा हुआ मिला अलमारी का। और फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे सब दूर देखा तो तीनों अलमारियाँ खुली हुई मिली उनको। थाने पे शिकायत की, पंचनामा बना के ले गए, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। अभी तक कोई उचित कार्रवाई भी नहीं हुई? नहीं। क्या चाहते हो आप? उचित कार्रवाई हो और हमको हमारे सामग्री वापस मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।